नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर हाँ जो है लिस्ट निकलती रहती हैं टॉप कौन डायरेक्टर है, कौन हीरो है, कौन प्रोड्यूसर है, और इस समय एक लिस्ट हमारे सामने आई है जिसमें कि हिंदुस्तान के इस समय के टॉप तीन डायरेक्टर का नाम लिया गया है। और ये टॉप तीन डायरेक्टर हैं रोहित शेट्टी, SS राजामौली और तीसरे हैं संजय लीला भंसाली। इन तीनों को माना जा रहा है कि इस समय हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर कमांड करने वाले ये तीन निर्देशक हैं। और इनकी एक सबसे ख़ास बात क्या है कि ये तीनों का अगर नाम ले लें आप, तो फिर अजय ने पछाड़ दिया है अक्षय कुमार को। यहाँ अजय ने अपने दोस्त अक्षय को इस मामले में भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि इन तीन डायरेक्टर्स में से सिर्फ एक ही ऐसा डायरेक्टर है जिसके साथ अक्षय ने काम किया है, और वो है रोहित शेट्टी। लेकिन जहाँ तक सवाल उठता है अजय देवगन का, इन्होंने इन तीनों डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। इन्होंने SS राजामौली के साथ भी काम किया है, RRR में कर रहे हैं। इन्होंने ऑब्वियसली रोहित शेट्टी के साथ तो ऑलमोस्ट हर पिक्चर उनकी इनके साथ ही होती है, और संजय लीला भंसाली के साथ भी हम दिल दे चुके सनम में ये काम कर चुके हैं। तो यहाँ पर फिर जो है अजय देवगन बाजी मारते हुए आगे निकल गए हैं। हालांकि इस बात से कोई बहुत संदेह नहीं है कि जिस तरह का फॉर्म अभी चल रहा है अक्षय कुमार का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बाकी दो निर्देशकों के साथ भी वो काम कर ही ले। आपका क्या विचार है, ये छोटी सी जो है एक चुहल कैसी लगी आपको? क्योंकि मेरे हिसाब से इसे बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ये एक इररिलेवेंट स्टैटिस्टिक्स है, और ये दो दोस्तों के बीच की जो है मेरे ख्याल से नोकझोंक के रूप में माना जा सकता है। आपको इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा डायरेक्टर लगता है, आप कृपया जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना कदापि मत भूलिएगा। धन्यवाद।